फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एल्गोरिथम के लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे थे सॉर्टिंग टेक्निक की। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था बबल सॉर्ट की, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर में आपके हमारे प्रीवियस लेक्चर में आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट की। अगर हम कंपेयर करें बबल सॉर्ट से, तो सिलेक्शन सॉर्ट का भी टाइम कम्प्लेक्सिटी नियरली सेम होता है बबल सॉर्ट के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पर्पज से या ओवरऑल हम देखें कंपेरिजन में तो सिलेक्शन सॉर्ट बेटर होता है सॉर्ट टाइम बबल सॉर्ट से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिलेक्शन सॉर्ट के कंसेप्ट के बारे में, उसके एल्गोरिथम के बारे में, और उसी एल्गोरिथम से हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके भी दिखाएंगे, और लास्ट में टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी भी कंप्यूट करके हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट। किसी भी सॉर्टिंग टेक्निक को अगर हम देखें तो उसका फाइनली जो आउटपुट आता है, आउटपुट आप क्या देगा, आपका जो एरे के एलिमेंट होंगे वो सॉर्टेड ऑर्डर में होंगे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। लेकिन थ्रू आउट द एल्गोरिथम सिलेबस में जितने भी सॉर्टिंग टेक्निक की हम बात करेंगे, वहाँ पर हम मान के चलते हैं कि जो सॉर्टिंग टेक्निक है हमारी वो सारी इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम एल्गोरिथम भी यहाँ पर डेवलप किए हुए हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि यहाँ पर अगर एलिमेंट दिया हुआ एरे में 64, 25, 12, 22, 11, तो अगर हम यहाँ पर इसके लोकेशन देखें तो हम ले सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5। आप लोकेशन जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0 to 4, उसके अकॉर्डिंग आपको एल्गोरिथम में भी थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। हम 1 से लेके चलें ताकि कैलकुलेशन आपका कंप्यूटेशन इजी हो जाए। अगर हम यहाँ पे एरे में एलिमेंट देखें तो एलिमेंट क्या है आपका, सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, मीन्स कि यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट फर्स्ट पोजिशन पर होना चाहिए था, और इसी तरह से उससे बड़ा एलिमेंट उसके बाद, और लास्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस पर हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, जो कि आउटपुट मुझे एक सॉर्टेड लिस्ट देगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो कैसे सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है इसको हम देखेंगे। अगर हम देखें यहाँ पे तो एक टोटल हम इस एरे को, जो है आपका एरे चल रहा है, इसको हम मान लेते हैं अनसॉर्टेड, कि अनसॉर्टेड एरे है ये, और एक हम एक और एरे हम कंसेप्ट लेके चल रहे हैं यहाँ पे, जिसको हम ले रहे हैं ये सॉर्टेड है, सॉर्टेड में अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो अब स्टार्ट करेंगे एल्गोरिथम, हम काम कैसे कर रहा है ध्यान दीजिए। जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट को हम मान के चलते हैं कि कौन सा एलिमेंट है, ए मिनिमम एलिमेंट है ये हम मान के चलते हैं। इसके बाद जब मिनिमम एलिमेंट हमारा ए है तो हम कंपेयर करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट से, इस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे क्या इसकी वैल्यू इससे लेस है, नहीं है ऐसा, मतलब यहाँ पे 25 यहाँ 64 है, मतलब 25 लेस देन 64 है। तो हम क्या करेंगे, अब इन दोनों मिनिमम कौन सा है 25, तो हम मिन को अपडेट कर देंगे, और मिन की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, मिन हम ले लेंगे इस लोकेशन वाली वैल्यू को जिसकी वैल्यू है 25। अब इस 25 से अब मिन आपका कौन सा होगा 25, अब इससे हम कंपेयर करेंगे इसको तो क्या होगा, ध्यान से 12 इज लेस देन 25 है, मतलब मिनिमम अगेन अपडेट हो जाएगा और मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी 12। जब मिनिमम की वैल्यू 12 हो गई तो अब इस 12 से हम इसको कंपेयर करेंगे नेक्स्ट एलिमेंट को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 12 मिनिमम है ऑलरेडी, 12 से 22 से लेस है, मतलब यहाँ पे मिनिमम 12 ही रहेगा। इसके बाद हम इस पर आएंगे, इससे कंपेयर करेंगे वैल्यू को तो क्या होगा, यहाँ पे ये लेस मिल गया, लेस मिल गया मतलब मिन की वैल्यू लास्ट में अपडेट हो कितनी हो जाएगी 11। जब लास्ट में मिन की वैल्यू 11 हो गई, मतलब हमारा एजप्शन जो स्टार्टिंग में था वो गलत था, वो मिनिमम एलिमेंट नहीं था, तो हम इस एलिमेंट को इससे क्या कर लेंगे, स्वैप कर लेंगे। स्वैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 यहाँ आ जाएगा, 64 यहाँ आ जाएगा, बाकी सारे एलिमेंट ऐसे ही लेस रहेंगे 25, 12 और 22। अब जो एलिमेंट यहां पे आ गया, इसी एलिमेंट को हम मान के चलेंगे हमारा क्या है, सॉर्टेड सब एरे है, और इधर वाला एरे क्या हो गया, इधर वाला हो गया अनसॉर्टेड, अनसॉर्टेड सब एरे। अब जो अनसॉर्टेड सब एरे हैं, अगेन इस पे हम स्टार्ट करेंगे यहां से, और इसको मान के चलेंगे मिनिमम, कि मिनिमम हमारा कितना है 25, इस लोकेशन का एलिमेंट, लोकेशन हम ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे लोकेशन लेंगे, इस लोकेशन पे एलिमेंट कौन सा आपका 25, इससे हम कंपेयर करेंगे नेक्स्ट वाले लोकेशन के एलिमेंट से तो क्या होगा, लेस है, लेस है मतलब मिनिमम अपडेट होकर कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी। फिर हम इससे अपडेट चेक करेंगे तो क्या ऑलरेडी मिनिमम है 12, मिनिमम है 22 से, तो कोई अपडेशन नहीं होगा यहाँ पे, और इससे हम अगर हम देखें
तो क्या हो रहा है यहाँ पे 64 से ऑलरेडी लेस है 12, तो यहाँ भी कोई अपडेशन नहीं होगा। तो स्वैपिंग क्या होगा, मिनिमम कौन सी वैल्यू थी 12, तो 12 हो जाएगा यहाँ पे और 25 हो जाएगा यहाँ पे। बाकी आपका एलिमेंट 11 तो यहाँ पे था, सॉर्टेड ऑलरेडी है, अब 12 यहाँ पे आ गया, मतलब 12 भी किस में आ गया, ये सॉर्टेड एरे की लिस्ट में आ गया। और इधर जो एलिमेंट बचे वो क्या हो गया, वो अनसॉर्टेड की कैटेगरी में आएंगे। अब अनसॉर्टेड में कितने एलिमेंट बचे, 3 एलिमेंट और बचे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको फिर से लेंगे हम मीन, ध्यान दीजिए जो अनसॉर्टेड लेके चल रहे हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट उसी को हम मिनिमम अज्यूम करके चलेंगे, और इसका कंपेयर करेंगे जब इससे, तो मिनिमम अपडेट होगा कितना हो जाएगा 22, क्योंकि 22 मिनिमम है, और फिर 22 का इससे अपडेट करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब स्वैपिंग किसका होगा, स्वैपिंग 22 और 25 का होगा। तो 22 यहाँ हो जाएगा, 25 यहाँ हो जाएगा, 64 तो ऐसे ही, 11 और 12 आपका ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका मिनिमम कौन सा हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा 25, और 25 से कंपेयर कर लेंगे ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी ये मिनिमम है यहाँ पे 64 से, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगा, आपका फाइनल रिजल्टेंट यही आ जाएगा आउटपुट में। अब आउटपुट में देखेंगे तो सारे एलिमेंट क्या हैं, सारे एलिमेंट सॉर्टेड हैं। इस तरह से हम कंसेप्ट में देख सकते हैं कि कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम आते हैं एल्गोरिथम पे। एल्गोरिथम भी क्या कर रहा है, एल्गोरिथम वही कर रहा है कि टोटल आपका एक एरे होगा जिसमें एन नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जैसे यहाँ पे है, हम एक लूप चलाएंगे i=1 to in-1, in-1 मतलब लूप चलेगा यहाँ पे, जैसे 5 एलिमेंट है तो 1 से लेके 4 तक लूप चलेगा, एक कम चलता है क्योंकि जब हम स्वैपिंग कंपेयर करते हैं तो ऑटोमेटिक ले लेता है, अभी हम दिखाएंगे उसको प्रैक्टिकली भी कैसे कर रहा है। इसके बाद जो आई लोकेशन वैल्यू है, जैसे यहाँ पे आई लोकेशन वैल्यू मतलब फर्स्ट टाइम ये था, इस लोकेशन की वैल्यू को हमने क्या ले लेंगे, मीन एज्यूम कर लेंगे, और आगे से इससे यहाँ से जे इक्वल टू आई प्लस वन से लेस देन एन, यहाँ से लेके एन तक, लेस देन इक्वल टू एन तक वैल्यू को हम सारे को कंपेयर करते जाएंगे, किससे, ए जे और ए बिन, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा इससे मिनिमम को कंपेयर करते जाएंगे। अगर ए जे लेस देन है ए जे मीन से, तो मीन हम अपडेट करके किसको बना लेंगे, ए जे को हम मीन बना लेंगे, और लास्ट में फाइनली हम जो स्वैपिंग होगा लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में जो आपका मिनिमम जे के पास होगा, ये लूप चलता रहेगा, जब लूप चलता रहेगा तो कंप्लीट लूप होते तक जे मिनिमम के पास एग्जैक्टली वो मिनिमम एलिमेंट होगा जो इस एरे में मिनिमम एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे 11 आपको फर्स्ट टाइम मिला था, और उसी से फिर स्वैपिंग कर लेगा किसको, फर्स्ट लोकेशन को, जो यहाँ पे जिस लोकेशन से इस लूप पे स्टार्ट किया था। तो अब चलते हैं हम इसको, हम इस एल्गोरिथम से प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। हमारा प्रॉब्लम यही है, इसी प्रॉब्लम को विथ एल्गोरिथम चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे एल्गोरिथम हम डिवाइस करेंगे, और उसी का अगर आपको प्रोग्राम बनाना होगा तो प्रोग्राम भी इजीली आप बना सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम में भी सिमिलर इसी एल्गोरिथम के कंसेप्ट का आप यूज कर लेंगे। चलिए तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फॉर लूप, जो पहला फॉर लूप है, फॉर लूप मीन्स आई इक्वल टू वन, और ये लूप कब तक चलेगा, आई इज लेस देन एन माइनस वन, मतलब लूप चलेगा आपका 5 एलिमेंट है तो लेस देन इक्वल टू है, ए लेस देन इक्वल टू है यहाँ पे, तो लूप चलेगा आपका लेस देन इक्वल टू 4 टाइम यहाँ पे। तो जो आई इक्वल टू 1 है इसी को हम मान के चलते हैं पास 1, इसी को क्या चल रहे हैं पास 1। तो पास 1 में काम क्या होगा, देखिए i इक्वल टू 1 है, मिनिमम किसको ले लिए, मिनिमम i को ले रहे हैं, मतलब i का लोकेशन क्या है 1, तो हमारा मिनिमम क्या हो गया, इसको हम मान रहे हैं मिनिमम, इसका लोकेशन है i मीन्स 1, ठीक। अगेन अब हम इस लूप में आ रहे हैं, j इक्वल टू i प्लस 1, j इक्वल टू i प्लस 1 मतलब i की वैल्यू 1 है, तो यही तो j होगा, ठीक है। j इज लेस देन इक्वल टू n, n की वैल्यू 4 है, ठीक, n की वैल्यू कितनी है 5 है, लेस देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एन है, तो गुड एंड वेल है। अब जैसे कंडीशन ट्रू हुआ यहाँ पे आएगा इफ ए जे मीन्स कि इस वैल्यू की बात कर रहा है, ए इस वैल्यू को क्या लेस देन ए मीन मतलब इस वन लोकेशन पे इसकी मिनिमम है ऐसा, मतलब अगर ऐसा है तो मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे लोकेशन वाली, तो मीन अपडेट होकर क्या हो जाएगा, जे मीन्स 2 लोकेशन, अब मिनिमम आ गया लोकेशन 2 पे। इसके बाद फिर से जे की वैल्यू इंक्रीज करेगी जब, तो जे कहाँ आ जाएगा, जे आ जाएगा यहाँ पे, जब जे यहाँ पे आ जाएगा तो अब मिनिमम लोकेशन 2 है, ए जे और ए मीन इससे कंपेयर करेगा, कंपेयर कर रहा है तो क्या, और अगेन मिनिमम मिल गया जे, तो इसका लोकेशन अपडेट होकर क्या हो जाएगा, मिनिमम इक्वल टू 3 हो जाएगा, और मिनिमम 3 की वैल्यू कितनी है 12, हम यहाँ पे वैल्यू भी लिखते चल रहे हैं जो कि ईजिली हो कैलकुलेशन में आपको।
इसके बाद फिर से जे की वैल्यू अपडेट होकर कहाँ आ जाएगी, जे आ जाएगी यहाँ पे। तो अब ए जे मीन्स इसकी वैल्यू बात करें, ए वैल्यू और ए मीन, इस ए मीन की वैल्यू कितनी 12 है। कंपेयर करेगा क्या होगा, कोई चेंज होगा नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फेल है यहाँ पे। इसके बाद इस पे आ जाएगा जे, जब जे यहाँ पे आया तो मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान यहाँ 11 है और यहाँ पे मिनिमम जो अभी था हमारे पास ए जे था थर्ड लोकेशन में 12, तो मिनिमम अपडेट हो रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम की, मिनिमम का लोकेशन हो जाएगा 5, वैल्यू हो जाएगी 11। और इसके बाद जैसे ये लूप टर्मिनेट करेगा, जब लूप टर्मिनेट करेगा तो चेक करेगा मिनिमम इज नॉट इक्वल टू आई, ध्यान दीजिए मिनिमम आई का लोकेशन कितना था 1 था और मिनिमम का लोकेशन कितना है 5, नॉट लोकेशन कंडीशन ट्रू है, तो स्वैपिंग कर लेगा ए आई इसकी बात, इसको इसको और इसको स्वैप कर लेगा, और स्वैप करते ही क्या बन जाएगा आपका, स्वैप करते 11 आ जाएगा यहाँ पे, 25 यहाँ, 12, 22, 64, क्योंकि स्वैप हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 64। अब जो एलिमेंट आया, ध्यान दीजिए ए क्या हो गया, ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट आ गया, मतलब मिनिमम एलिमेंट फर्स्ट लोकेशन पे आ गया, तो सॉर्टिंग तो स्टार्ट हो गई ना आपकी। अब जब यहाँ से आएगा तब आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू इस लूप से बाहर फिर से आया तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 मीन्स 1, 2, 3, 4, 5 यही है, तब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगा 2, और इसी को हम मान के चलेंगे मीन इक्वल टू 2, मतलब मिनिमम आपका हो जाएगा लोकेशन 2 पे। जब मिनिमम 2 लोकेशन पे हो गया तो अगेन ये प्रोसेस चलेगा, जब अगेन प्रोसेस चलेगा तो इसका कंपेयर इससे होगा, कंपेयर होगा तो 12 लेस है, तो मिनिमम की वैल्यू कितनी हो जाएगी थर्ड लोकेशन की, जो कि वैल्यू 12 है, फिर इससे कंपेरिजन इसका होगा, कोई अपडेट नहीं होगा, इससे अपडेट होगा कोई अपडेट नहीं होगा, तो स्वैपिंग कर लेगा यहाँ पे, इसको इसको स्वैप करेगा तो यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 25, और 11 तो यहाँ पे ऑलरेडी सॉर्टेड है, ये पहले से आया हुआ है, और बचा आप 22 और 64। अब ध्यान दीजिए जो सॉर्टेड होके आया यहाँ पे, ए वाला एलिमेंट 12 है, 12 को हमने मिनिमम पिक किया, अपने राइट पोजीशन में इसको पहुँचा दिया यहाँ पे, तो ये क्या हो गया, ये सॉर्टेड हो गया ना यहाँ पे, ध्यान 11 12 सॉर्टेड चल रहे हैं, ये अभी अनसॉर्टेड है, जब अनसॉर्टेड है तो यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस आएगा, आई इज इक्वल टू कितनी वैल्यू हो जाएगी 3, तो थर्ड लोकेशन वाली वैल्यू हम मिनिमम लेके चलेंगे, क्योंकि वही आई यहाँ पे एज ए मीन की वैल्यू जा रही है, तो मिनिमम हो जाएगा यहाँ पे 25 थर्ड लोकेशन की वैल्यू, और इससे अगर कंपेयर करें तो अगेन देखिए यहाँ पे स्वैपिंग होगा, मतलब मिनिमम की वैल्यू 22 हो जाएगी और यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, तो मिनिमम फाइनली 22 होगा और स्वैपिंग होकर कितनी वैल्यू हो जाएगी 11, 12, यहाँ हो जाएगा 22, 25 और 64, ये हो जाएगा। तो 1, 2, 3 थ्री लोकेशन, थ्री एलिमेंट अपने पार्टिकुलर एल्गोरिथम में पहुँच, अपने प्लेस पे पहुँच चुके हैं। अब हम आ जाएंगे आई इक्वल टू 4, फोर्थ लोकेशन जो वैल्यू है इसको हम लेंगे मिनिमम और इससे कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो कंडीशन आपका फेल होगा, मिनिमम इक्वल टू मिनिमम होगा तो कोई स्वैपिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जब कंडीशन फेल हो जाएगा तो कोई भी कंडीशन यहाँ पे कोई स्वैपिंग नहीं होगा, और स्वैपिंग नहीं होने के बाद अगर आप देखेंगे इसके बाहर जाएंगे तो कंडीशन अब आपका ए वाला भी फेल कर जाएगा, क्योंकि एन की वैल्यू हो जाए, आई की वैल्यू 5 हो चुकी होगी, 5 हो चुकी होगी, तो ये कंडीशन जब फेल करेगा इस लूप से बाहर आ जाएगा, आप देखेंगे तो एरे में एलिमेंट क्या होंगे, ऑलरेडी सॉर्ट हो चुके होंगे 11, 12, 22, 25 और 64। आप और भी एग्जांपल लेके सॉल्व कीजिएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्प्लेक्सिटी की, टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, जो कि उस एल्गोरिथम की कितनी इफिशियंसी है वो आपको बताता है। तो इस एल्गोरिथम को अगर हम देखें तो यहाँ पे जो पास चल रहा है, ध्यान दीजिए नंबर ऑफ पास कितने चले, आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा n-1 तक, मतलब n-1 नंबर ऑफ पास चलेंगे, n-1 नंबर ऑफ पास चलेंगे, और हर पास में तो एक एलिमेंट कम होता जा रहा है, क्योंकि एक एलिमेंट सॉर्टेड होता चला जा रहा है, जब सॉर्टेड होता चला जा रहा है तो एक एक एलिमेंट कम होता जाएगा, फिर n-1 होंगे, फिर n-2 होंगे, n-3 होंगे, इस तरह से होंगे, तो अगेन आपका फार्मूला जो जनरेट होगा वो यही जनरेट होगा n-1 + n-2 + n-3 up to 1 तक, और इसको सॉल्व करेंगे तो n-1/2 = n² जिसको हम बिग ओ एन स्क्वायर कह सकते हैं। ये आपका तीनों केस में बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस, तीनों केस में टाइम कम्प्लेक्सिटी इसका यही होता है, क्यों, क्योंकि जो कंपेरिजन है, और ये क्योंकि तीनों केस में हमेशा जो आपका एरे के एलिमेंट है वो किसी भी कंडीशन में हो, यहाँ पे एरे एलिमेंट या तो ऑलरेडी सॉर्टेड हो या टोटली अनसॉर्टेड हो या मिक्स में हो, हर केस में सारे प्रोसीजर चलेंगे, तो आपका कितना होगा एन स्क्वायर तीनों केस में होगा। स्पेस कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यहाँ पे इनपुट के अलावा टेम्प्रोरी वेरिएबल में केवल एक मिन को ले रहा है और भी कोई एलिमेंट ऐसे नहीं ले रहा है, तो सिंपली ये भी इतना से क्या है 1 ही है, 1 टाइम लेगा,
तो हम भी गो वन ले सकते हैं, क्योंकि इनपुट को हम कांस्टेंट लेके चलते हैं, इनपुट जो साइज लेता है केवल ऑक्सिलरी मेमोरी की देखते हैं, तो वन होगा यहाँ पे। अगर सपोज कीजिए यहाँ पे कोई भी टेम्पोरी वेरिएबल नहीं होता तो भी मिनिमम वन स्पेस तो लेगा, जीरो हम कभी भी लेके नहीं चलते। तो होपफुली आपको सिलेक्शन सॉर्ट का कंसेप्ट, एल्गोरिथम और प्रॉब्लम क्लियर हो चुका होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं, उसका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। और आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, जिसको आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो रियल टाइम आप हमसे डायरेक्टली कम्युनिकेट करके किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।